देखिएगा सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप कभी हाईवे पर सही में बाइक से कार से जा रहे हो, लगता है कि रास्ते में पानी, वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता। पानी की अनुभूति हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें वहाँ पर जो आसपास की चीज़ें उनकी इमेजेस उल्टी दिखने लगती हैं, तो हमारा दिमाग हमसे ये बताता है कि पेड़ उल्टा नहीं हो सकता, वहाँ निश्चित रूप से कोई पानी है, जिस वजह से पेड़ की उल्टी इमेज तुम्हें दिख रही है। दैट इज कॉल्ड मृग मरीचिका, दैट इज कॉल्ड मिराज। मृग मरीचिका सुना नहीं? सुना हिंदी तुम लोगों ने किताबें भी नहीं पढ़ी क्या, बोर्ड बोर्ड में कोई? मृग मरीचिका रेगिस्तान में मृग जब फंस जाता है ना, तो उसे हर जगह थोड़ी दूर पर पानी दिखता है, और वो भागता हुआ वहां जाता है, फिर देखता है कि अरे पानी तो है ही नहीं, फिर उधर दूसरी तरफ देखता है, फिर उसे वहां पानी दिखाई देता है, फिर भागता हुआ जाता है। इसे कहते हैं मृग मरीचिका, दैट इज कॉल्ड मिराज। ठीक है, इसका ठीक देखो यहां पर ये हो क्या रहा है, जब सरफेस, जमीन के सरफेस का टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा गर्मियों के दिन में, तो जमीन के आसपास की हवा हो जाती है हल्की, रेयरर, क्या हो जाती है? अब ऊपर की हवा होती है डेंसर, तो पेड़ से जब लाइट ऐसे चली तो वो मुड़ती मुड़ती आदमी के ऐसे तैयार हो गया, रे यहां से जब चली, चलो रे, तो रे ये चली यहां से ऐसे घूम के इसकी आंख में घुस गई। अब ये रे मुड़ती जा रही, अब इसकी आंख में जैसी रे घुसी, आंख ने, दिमाग ने एक दिमाग लगाया कि इधर से आई है, इधर है पेड़, नीचे, सामने सामने तो दिख ही रहा होगा डायरेक्ट रे से, डायरेक्ट ऊपर से जो रे यहां से गई उससे तो सामने दिख ही रहा है, फिर नीचे इस वाली रे से जो रे यहां से घुसी ना, तो अभी यहां से दिमाग कैलकुलेट करके कहेगा कि यार इधर कहीं है पेड़, तो उसे नीचे उल्टा पेड़ भी दिखाई दे रहा है नीचे, और सीधा तो दिख ही रहा है। अब दिमाग लगाएगा कि पेड़ उल्टा कैसे और सीधा कैसे, पानी होगा, है ना, जबकि पानी नहीं है, क्या है? गर्म हवा है। यहां पर हवा गर्म है तो रेयरर हवा हो गई, डेंसर से जब रेयरर में रे जाती है तो उसका TIR होता है, ठीक है, तो ये कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, यहां पर लिखा हुआ हॉट एयर, वार्म एयर, लेस वार्म एयर, कूल एयर, तो यहां से ऊपर की तरफ एयर डेंस होती जा रही है, और जब ये ऐसे रे आएगी तो TIR होके उसकी आंख में घुस जाएगी, और फिर उसका दिमाग कहेगा पेड़ इधर है नीचे, और दिमाग को एक पेड़ ऊपर भी दिख रहा है, दिमाग का दिमाग खराब है ना, हाँ, वो कहेगा बेटे चक्कर में ना पड़ो, पानी पड़ा हुआ है वहां पर, फिर तुम जाके देखा, तुमने कहा अरे यार दिमाग ने धोखा दे दिया आज, है ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द फिनोमिना विच यू ऑब्जर्व ऑन ओशंस और सीज, समंदर में होता है। समंदर में क्या होता है? अब समंदर में देखो, यहां से सुनो, ये आदमी देख रहा है, दिख रहा है ये आदमी, हे ये आदमी देखो, उस वाले आदमी को भूल जाओ, ये तो अरेबियन कंट्री का आदमी दिख रहा होगा तुम्हें, ये आदमी नहीं दिख रहा, शेख नहीं दिख रहा, शेख नहीं समझते तुम लोग, अरे ये मिल्क शेख समझ रही, चॉकलेट शेख है। सुनो तो अब यहां पर देखो, ये रे यहां से चली और इधर घुस गई इसकी आंख, अब यहां पर इधर उल्टा मामला चल रहा है, ऊपर रेयरर है, नीचे डेंसर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब पानी ठंडा होगा तो पानी के आसपास की हवा ठंडी 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 धीरे धीरे गर्म होगी, तो अब क्या होगा कि यहां से जब रे चलेगी उठ के ऐसे थोड़ी सी और ऊपर से आती है, ऐसे ऊपर से यूं घूम के ऐसे आएगी, जहाज ऊपर दिखेगा हवा में, अरे सुनो तो पानी भी ऊपर ही दिखेगा हवा में, नहीं हर चीज से रे जाएगी ना, अरे यहां पानी से भी तो रे जाएंगी, ये तो उसने एक दिखा, ये दिख रहा जहाज ऊपर। अच्छा ये बात आपको बताएं, अर्थ में कर्वेचर होता है, तो जब ओशन के आसपास आप जाते हो तो शिप कर्वेचर की वजह से, अर्थ के कर्वेचर की वजह से
नहीं दिखते आपको। जैसे आप किसी समंदर के किनारे खड़े हो और यहाँ पर हो, आप यहाँ पर देखे नहीं रहे होगे, आपको खुद क्यों नहीं देख पा रहे होगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो आप इस जगह पर, तो इस जगह पर अगर कोई शिप है तो आपको नहीं दिखेगा ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। लेकिन ये दिख जाएगा, होगा क्या कि यहाँ पर आपका पूरे में सराउंडिंग में एटमोसफियर है, तो यहां से रे ऐसे चल के इधर घुस जाएगी, ये रे ऐसे चल के इधर से टी आई आर होके इधर आ गई, टी आई आर होके इधर आ गई, तो क्या होगा आपको शिप यहां दिखने लगेगा, आप कहोगे अरे वाह जहाज आ रही है, दिस इज कॉल्ड लूमिंग। ये जब समझ गए, जब यहां से ऐसे करके रे ऊपर की हवा से टी आई आर होगा तो उसे हम कहते हैं क्या है, लूमिंग, ठीक है। और अगर मान लो नीचे की तरफ जाके टी आई आर होगा तो उसे हम कहते हैं मिराज। इतनी बात याद रहेगी, किसमें बैटल बैटल होता हो तो बैटल में तो नहीं पता चलता, बैटल में कभी कभी पता चल जाता है। अरे गोली उधर इतने दूर, बहुत दूर है, जब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो तो गोली गोली ना चलेगी इसमें, सुनो अब मिसाइल चलेगी लेकिन वो डायरेक्ट देख के नहीं चलेगी कि मिसाइल को हाथ में पकड़ के मार रहा है, वो चलती है सैटेलाइट के थ्रू। पहले जमाने में बाण चलाते थे यार, मान लिए थोड़े पास आ रहा हो लगेगा नहीं अभी और पास आओ, बुला के मारते थे, और कई बार बाण नहीं होता तो कहते तलवार से मारेंगे और बिल्कुल पास आ जाओ। पहले के जमाने की बात और थी, पहले आदमी सीधे सीधे बैठ जाता था, उठा उठा के पटकते थे, धोबी पछाड़ चलता था, गोरिल्ला वारफेयर। अब तो भाई थोड़ी ऐसे कि खेलने के, भाई सब थोड़ा पास आइए।